वो तो नहीं आया अभी तक। हम आ गया मार्केट 50-50 के। नानी जी है ही नहीं घर पे। अभी ना इसने रास्ते में से ना संतरे तोड़े हैं, इतने छोटे छोटे। खाने में कैसे हैं? खट्टे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज इंद्रजीत सिंह और आप देख रहे हो इंद्रजीत सिंह ब्लॉग। ये है मेरा पहला ब्लॉग। तो पहले ब्लॉग में क्या करेंगे? पहले ब्लॉग में हम घूमेंगे। तो फिर हम अभी चलते हैं घर से बाहर। पे ऑटो लेने के लिए खड़ा हूँ, ऑटो नहीं आया अभी तक। तो अभी हम जाने वाले हैं कहाँ पे? हाँ, पिज़्ज़ा खाने। तो सबसे पहले हम चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, देन पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खा के हम चलेंगे फिर एक मार्केट। आपको मार्केट घुमाऊँगा, वो एक्चुअली इस सिटी की सबसे ही गोपनीय मार्केट है। तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, चलें। चलो पहले कस्टमर हैं हम इनके, है ना? तो अच्छा, तो पिज़्ज़ा कौन सा खाना है? कौन सा? ये वाला। ये वाला ठीक है, कैप्सिकम पिज़्ज़ा। ओके मैं अभी आया ऑर्डर करके। कर दिया ऑर्डर कैप्सिकम पिज़्ज़ा। तो भाई पिज़्ज़ा अपना आ गया है, इसके ऊपर मसाले डाले जा रहे हैं। आप अपना खुद डालो। ज़रूरी है मसाले डालने? जल्दी से पिज़्ज़ा खाते हैं, टेस्टी है वैसे। तो उसके बाद चलते हैं पैं। नज़र लगी हुई थी पिज़्ज़े पर, तो लगी नज़र। अब हम चलते हैं मार्केट। तो अभी हम चलते हैं मार्केट। ये मार्केट इस सिटी में चंडीगढ़ में ये किसी ने नहीं देखी। 99.9% लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। हाँ, वो जो उस एरिए के आसपास रहते हैं उनको नहीं देखी होगी। हाँ जी, पी बी बारह वहाँ रश होता है। वहाँ रश होता है, हाँ, मतलब ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी हुई इसलिए। तो अभी हम चलते हैं उस मार्केट में और उसको एक्सप्लोर करते हैं। भाई घर कितने सही सही है, पर ये संतरे तोड़ लेके आई तो दिखाना। ये देखो संतरे, संतरे क्यों, संतरियाँ। खाने में कैसे हैं? खट्टे। तो तोड़े क्यों? अगर कोई देख लेता ना, सीसीटीवी लगी हुई वहाँ पे। हम आ गया मार्केट। ईयरबड क्या बोलते हैं? 50-50 के। मार्केट घूमा है, अब आ गया हूँ मैं पास वाले पार्क में, क्योंकि मैं थक गया हूँ। अभी यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर, देन उसके बाद जैसे ही शाम होती है मेरे कोई काम है, वो काम के बाद हम चलेंगे घर। चलो अभी बैठते हैं। ए शाम के बज गए हैं 3, हम पार्क से बाहर निकल आए हैं।
वहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी, अभी भूख भी लगी है। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए गरम जो हमारी भूख भी मिटा सके। अभी हम जा रहे हैं, पास में एक मार्केट है तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे खाते हैं। अभी अभी पिज़्ज़ा ही खाया था सिर्फ, उस मार्केट से भी कुछ नहीं खाया इतना। क्या खाना क्या है हम खाएंगे सूप, डिसाइड करते हैं। सूप, सूप, गरम सूप, कॉफ़ी, कॉफ़ी गरम गरम, देखते हैं जो अच्छा लगा वो खा लेंगे। मोमोस, स्प्रिंग रोल, ऐसे देखते हैं कोई, देखते हैं। तो हमने क्या मंगाया है? मैक्रोनी, मसाला मैक्रोनी और एक हॉट कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी, इतनी ठंड में कॉफ़ी ज़रूरी थी। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। yes. गर्म गर्म कॉफ़ी लीजिए मैडम। गर्म है, लो मैक्रोनी भी आ गई है हमारी। कैसी लग रही है? मस्त। अच्छी है। तो चलिए फिर, खाना खुना तो खा लिया हमने। yes. चले झूठे भांडे भी तो दस्त हो नहीं। अच्छा तो अभी हम चलते हैं घर, तो अभी हम अपने फ्रेंड को कर देते हैं बाय बाय बाय। घूम घुमा के अब हम जा रहे हैं घर। तो मेरे को मेरी जैकेट और मेरा बैग उठाना, लैपटॉप है जिसमें, तो बस उसके बाद हम चलते हैं घर। अभी मैं ऑटो लेने के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, जैसे ही ऑटो मिलता मैं सीधा नानी जी के घर जाता हूँ। ठंड हो रही है और रात भी हो रही है, मेरा 2 घंटे का रास्ता है घर जाने का। घर में आ गया हूँ, बस दरवाज़ा खोल सामान लेता हूँ यहाँ से और उसके बाद चलता हूँ बस स्टैंड, बस स्टैंड से बस पकड़ता हूँ। नानी जी है ही नहीं घर पे, हाय पास वाले पार्क में होंगे नानी जी, अगर वहाँ पे मिल गए तो ठीक है, जल्दी से चाबी लेता हूँ उनसे। तो कहाँ पे हैं? और वो रहे नानी जी, वो रहे। तो जैकेट बैग उठा लिया है, चलो अब सीधे चलते हैं बस स्टैंड, बस स्टैंड से लेते हैं बस। स्टैंड आ गया हूँ, बस मेरे को बस मिल जाए जल्दी जल्दी से। रात के बज गए 8, बस मैं घर पहुँचने वाला हूँ। घर सारे वेट कर रहे हैं मेरा, उनको लग रहा है कि मैं अभी भी वहीं हूँ। यार जल्दी से चलते हैं घर। फाइनली इतनी ठंड में रात को सफ़र करने के बाद मैं घर आ गया हूँ। अभी हम करते हैं रेस्ट। और हाँ, ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ जी इस व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है, और मेरे को सजेशंस वगैरह देते रहिएगा ताकि मैं और बेटर ब्लॉग बनाऊँ उसको। ओके तो चलो अभी चलते हैं।